बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे और पूर्व सलाहकार सजीव वाजेद जॉय ने कहा कि अगर पार्टी कार्यकर्ता चाहें तो वह देश लौटने और अवामी लीग का नेतृत्व करने पर विचार करेंगे। नामी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में वाजिद ने कहा कि उनकी मां निर्वासन में नहीं रहना चाहती और वापस बांग्लादेश जाना चाहेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि शेख हसीना प्रधानमंत्री के रूप में अपने अंतिम दो कार्यकालों से सेवानिवृत्त होना चाहती है। हालांकि उन्होंने हसीना की सक्रिय राजनीति में संभावना से भी इनकार नहीं किया। शेख हसीना ने कई सप्ताह के उग्र विरोध प्रदर्शन के बाद 5 अगस्त को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और देश छोड़कर भारत आ गई थी। वे दिल्ली में सुरक्षित स्थान पर रह रही हैं। वॉशिंगटन में रहने वाले वाजेद ने बताया, मैंने कल उनसे बात की, अभी उनकी योजना नहीं है, वे यहीं रहेंगी। उनके वीजा या शरण लेने के लिए जो भी अफवाहें चल रही हैं इनमें से कोई भी सच नहीं है। वे आखिरकार बांग्लादेश जाना चाहती हैं, चाहे वह राजनीति में शामिल हों या रिटायर हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह उनका घर है, वे वहीं पली बड़ी हैं, वैसे भी यह उनका आखिरी कार्यकाल होने वाला था। वाजिद ने बताया कि वे दक्षिण बांग्लादेश में अपने गांव के पुश्तैनी घर में रिटायर होना चाहती हैं, यही उनका सपना रहा है। वे बांग्लादेश के बाहर निर्वासन में नहीं रहना चाहती। शेख हसीना की राजनीति में वापसी की संभावना पर वाजिद ने कहा कि इसका उत्तर देने के लिए वह सबसे उपयुक्त व्यक्ति होंगी, लेकिन वह कभी भी अपने लिए सार्वजनिक जीवन में नहीं रही। उन्होंने कहा, वह अपने देश के लिए राजनीति में थी, ना कि सत्ता पाने के लिए।